Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Mariam and I am here with a brand new tutorial of painting pot. In this video, I am gonna share that how I glaze my pots using acrylic paints. So these are two acrylic paints which I use in this tutorial, red and white. And the next thing I use this flat brush. Next, the main thing, this pot. Make sure that your pot is clean before painting. I have already cleaned my pot. Next ये है मेरा white paint जो मैं इसमें apply करूँगी as a base or you can say as a primer it works. So अब जितना मुझे require है मैं इस पर डालूँगी. Because हमने white color as a base use करना है तो make sure वो थोड़ा thin होना चाहिए. तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा water add किया है इसमें और इसे अच्छे से mix कर रही हूँ. अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अपने पॉट पे अप्लाई करेंगे. यू हैव नोटेड दैट मैं ऑलवेज अपनी पेंट की डायरेक्शन सेम रखती हूँ, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा बिकॉज हमारे पॉट का टेक्सचर ही कुछ ऐसा है कि पेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा. तो जब तक हमारा बेस पेंट कंप्लीट होता है हम थोड़ी गपशप कर लेते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ गई है, तो आर यू फॉलोइंग SOPs? काइंडली SOPs को फॉलो करें और अपने घर वालों को भी कहें इफ़ यू हैव सच सिम्टम्स काइंडली कंसल्ट डॉक्टर. अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें. चलें जी, हम अपने पॉट की तरफ वापस आते हैं. हमने उसके अंदर वाली साइड पर भी पेंट करना है, इससे उसकी बहुत ही फाइन लुक आती है. So always remember that first coat completely dry होने के बाद go for second one, otherwise the first coat will get disturbed. आप देख सकते हैं कि हमारा pot बिल्कुल dry हो चुका है. अब हम इस पर कोई भी acrylic paint apply कर सकते हैं. मैं इस पर red apply करने जा रही हूँ. It's up to you, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी color apply करें. सो अब इसमें जितना हमें रिक्वायर है वो डाल लेंगे हम इस. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हमने सेकेंड कोट थिकी अप्लाई करना है. इस पर हमें नो नीड टू ऐड वाटर. सो विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश हम इसे पूरे पॉट पे अप्लाई करेंगे. सेम इस पर भी हमने डिफरेंट डायरेक्शन में करना है बिकॉज सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता बिकॉज कुछ डिज़ाइनिंग उसकी ऐसी हुई हुई है. सो इसको अप्लाई करेंगे. पेंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कोई कर नहीं सकता, हर कोई इसको कर सकता है, बस शौक होना चाहिए. और इसी तरह आप बहुत ही इजी एंड चीप वे में अपने घर को, अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर की लुक इन्हेंस कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हम आउटडोर पॉट्स पेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ऑयल पेंट्स लाइक इनेमल पेंट्स बेस्ट होते हैं. एक्रेलिक पेंट ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते जितने ऑयल पेंट्स ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. सिमिलरली जैसे वाइट बेस पेंट हमने अंदर किया था, अब रेड अप्लाई करेंगे. आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है. सो हमारा सेकेंड कोट कंप्लीट हो गया, अब हमने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है. सो गाइज आप देख सकते हैं कि ड्राई होने के बाद मैट लुक दे रहा है. बट अगर हम इसके ऊपर, क्योंकि आज मैंने बेसिक मेरा टॉपिक के हमने अपने एक्रेलिक पॉट को ग्लेजी लुक कैसे देनी है, सो उसके लिए बेसिक चीज़ है ये है वार्निश जो हम इस पर अप्लाई करेंगे. इसको मैंने बहुत यूज़ किया है इसलिए इसकी बाहर से हालत बहुत ही नाजुक हो गई है, ख़राब हो गई है. अब इसे मैं विद द हेल्प ऑफ फैन ब्रश अप्लाई करूँगी पूरे पॉट पे. सो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग वार्निश ऑन द पॉट. सी कितनी शाइनी इसकी लुक है. और इसको भी हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द पॉट टेक्सचर. उसकी मेकिंग ही कुछ इस तरह है. और इसको हमने अप्लाई कर दिया. अभी से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है मैट लुक में और शाइनी लुक जो आ रही है उसमें. अब मैं इसके एडवांटेजेस बताते चलूँ दैट इफ़ यू आर लुकिंग टू वाटर प्रूफ योर टेराकोटा गार्डन पॉट्स एंड प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट स्टेनिंग देन वार्निश एक्ट एज अ बेस्ट सीलर. Second, if you want to protect the painted surface from atmospheric effect, then again this is the best thing to apply. Just like हमने पहले पेंट अंदर अप्लाई किया, हमने वार्निश भी अप्लाई करना है. मेक श्योर कि कोई सरफेस, कोई स्पेस खाली ना रह जाए जब वार्निश अप्लाई ना हो. सो हमने अपना वार्निश कम्प्लीटली अप्लाई कर दिया पॉट पे. Now you see the difference between the two pots. Before it look gives a matte look and after applying varnish it give a glazy shiny look.
So guys, this is my upcoming project in which I'm gonna make one of your favorite character, Mario. So stay connected for that. So I hope you liked today's tutorial, and if you like it, please give it a thumbs up to subscribe my channel. And if you're new to my channel, watch my other videos as well. Till then, see you next time. Bye bye.